हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कोटक न्यू के मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे। सो मोबाइल ऐप मैंने इसे लॉगिन कर लिया हुआ है। देखिए, आप ओपन करेंगे सो आपको होम पेज मिल जाएगा। होम पेज पर ही आपको ये वॉच लिस्टेस मिल जाएंगी, ऑर्डर मिल जाएगा, पोर्टफोलियो, नीचे डाउन साइड देखिए पोर्टफोलियो और इन्वेस्ट, ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सर्च, आपको सर्च बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप कोई भी स्टॉक यहाँ से सर्च करेंगे सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। एक मैं सर्च करके बताता हूँ, जैसे कि आप ITC सर्च करेंगे तो आपने ये ITC सर्च किया, ये आ गया आपको। ओके, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं और चीज़ें देखें। देखिए यहाँ पे जो आपका नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम शो हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी, सर्विस सेटिंग्स वगैरह, आप कुछ डार्क वगैरह करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, ये ब्लैक हो जाएगा। ओके, सो आपको जो भी आप प्रेफरेबल है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप उस तरह से आप रख सकते हैं सेटिंग्स को। पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, एमपिन चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। ओके, और नीचे जैसे आपने बहुत सारे डिवाइस में ओपन कर रखा है सो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। देखते हैं, प्रोफाइल तो हमने देख ली, यहाँ से आपको फ़ंड मिल जाएगा। मैं इसे बहुत छोट से यूज़ करता हूँ सो क्योंकि मुझे लगता है कई बार लैक वगैरह ना हो जाए, कोई बड़ा लॉस ना हो जाए, तो मैं ज़ीरोधा में यूज़ करता हूँ, मेरा जो बड़ा फंड है। तो यहाँ से आप फंड इस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं तो विड्रॉ भी यहाँ से हो जाएगा ईजीली। ओके, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो होम पेज है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन लोगों ने पहले से ही लगा के दिया हुआ है आपको। इंडिया विक्स वगैरह, सेंसेक्स, निफ्टी, मींस जो भी बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। नीचे ऑप्शन चेंज दे रखी हैं इन लोगों ने। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये सारी चीज़ें आपको, क्रूड ऑयल वगैरह की भी आपको जो ऑप्शन चेंज हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ओके, ट्रेडिंग कॉल्स, कॉल स्पोर्ट वगैरह भी आप यदि यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं तो ये लोग देते हैं। डेरिवेटिव्स की भी ये लोग दे देंगे आपको। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी की जैसे हम देखें, सो बैंक निफ्टी की कॉल दे रखे हैं ये लोग कि इसको क्या करना है, बाय करना है। ओके, और यहाँ से आप टॉप गेनर्स देख सकते हैं और टॉप लूजर्स भी यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो इस तरह से रहेगा। लाइव न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ वगैरह देखना, आप इस पर क्लिक करेंगे साइट पर पहुँच जाएंगे। स्कैनर्स वगैरह हैं, यदि आपको कोई स्टॉक वगैरह स्कैन करना है तो ये आपका होम पेज रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉच लिस्टेस। देखिए, वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी कुछ इस तरह से। सो आप क्या करेंगे, जैसे ही इधर पे क्लिक करेंगे, और आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स रखा है इसका नाम, सो आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और आप इसी तरह से आप यहाँ से आप इसमें स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको ऐड करना है कुछ भी। सो ITC की बात कर लेते हैं, ITC। सो जैसे ही करेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। आप बैक करेंगे, ये आपको आ गया ITC। ओके, इस तरह से रहेगा। सो आप अपने हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट का नाम लगा लीजिए, और जैसे मैं स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे रख लेता हूँ। बैंक निफ्टी के जो इंडेक्सेस मींस जो बैंक्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए, HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी यहाँ पर रख ली हुई है। नेक्स्ट फिन निफ्टी का भी, फिन निफ्टी में जैसे बजाज है, फिनसेप है, ICICI, ये सारी चीज़ तो हैं ही, तो आप इस तरह से बना सकते हैं अपनी वॉच लिस्टेस। ओके, सो वॉच लिस्ट का मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर। सो ऑर्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे ओपन ऑर्डर की बात करें। सो ओपन ऑर्डर, यदि आपने कोई पोजीशन लेने के लिए ऑर्डर डाल के रखा है, या आपने स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर डाल के रखा है, तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे आपने क्लोज पोजीशन, जैसे आपने कोई ले लिया है और वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। मैंने भी कुछ ट्रेड लिए हुए हैं आज, सो वो शो कर रहे हैं। सो मैंने कुछ कुछ इसमें लिए हैं, कुछ ज़ीरोधा में लिए हैं। जो बड़ी क्वान्टिटी है मैं वो ज़ीरोधा में लेता हूँ। यहाँ पे आपको बास्केट्स मिल जाएंगी। सो बहुत सारे लोग बास्केट के बारे में पूछ रहे थे, तो जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आप और बास्केट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आप इसमें जैसे न्यू आप बास्केट भी बना सकते हैं। तो आप न्यू करेंगे और बस आप अपना नाम रख दीजिए कि मुझे फिन निफ्टी की बनानी है, फिन की बनानी है। बस आपने ये किया, ये देखिए आपकी न्यू वॉच लिस्ट बन गई। अब इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको फिन निफ्टी का ही अभी क्या चल रहा है, फिन निफ्टी। सो जैसे ही आप फिन निफ्टी चेक करेंगे, जैसे 19,200 का आपको मान लीजिए कॉल शॉर्ट करना है, सो क्या करेंगे, 19,200 का जो आप कॉल शॉर्ट करने वाले हैं, तो आपने जैसे ही इसमें यहाँ पे नहीं आया है क्या, ओके आ गया, ये देखिए, ये आपने इसमें ऐड एट फिन निफ्टी, बस आपको शॉर्ट करना है। आप सेल पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे क्वांटिटी डालिए, कितनी क्वांटिटी आपको करनी है, जैसे आप 5 करने वाले हैं, 5 कर दीजिए आप।
ओके इस तरह से हो जाएगा आपको। देखिए अभी ये सेव करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपने ना अभी प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट नहीं किया है, नॉर्मल या MIS। नॉर्मल मींस आप इंट्राडे में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए भी आप पोजीशन रखते हैं उससे बोलिए नॉर्मल ऑर्डर। नेक्स्ट है MIS, MIS मींस इंट्राडे। सो इंट्राडे के लिए ही ये पोजीशन रहेगी, इसके बाद आपको इस ऑर्डर को सेल ही करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा यदि आपने सेल किया हुआ तो इंट्राडे में ही, मीन्स 3:30 से पहले आपको ये चीज़ ये पोजीशन जो है बाय या सेल करके जानी ही पड़ेगी, क्लोज करना पड़ेगा मीन्स पोजीशन। हाँ आप नॉर्मल ऑर्डर आपने जैसे ही लिया है सो इसमें कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए हो गया, यहाँ पे आप सेव करिए और यदि आपको कोई हेजेस बाय करने तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फंड बताएगा आपको 5 लाख के आसपास कुछ आपका लगने वाला, बस आप यहाँ पे स्वैप करेंगे इसको और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सो ये आपका बास्केट ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैंने वॉच लिस्ट ऑर्डर बता दिया है, अब हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो एक तो ये रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कोई शेयर खरीद के रखा है, रिलायंस है, HDFC है, ITC है, सो वो यदि आपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में दिखेगा। सो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं ज़ीरोधा में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरे सारे शेयर्स उसमें हैं। नेक्स्ट है पोजीशंस, जैसे आपने जो भी पोजीशंस ली हुई हैं सो वो आपको यहाँ पे शो करेंगी, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आज मैंने कुछ पोजीशंस इसमें ले रखी थी और मैंने ज़ीरोधा में बड़ी पोजीशंस ली थी, तो वो उसका प्रॉफिट ये दिख रहा है आपको। ओके नेक्स्ट है ये इन्वेस्टमेंट। सो जैसे आप कोई IPO वगैरह में यदि आप इन्वेस्ट वगैरह करते हैं सो आप वो देख सकते हैं, आपको म्यूचुअल फंड भी यहीं पे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए अब हम ऐसे लगाना सीख लेते हैं, 40,000 की कॉल है और आपने उसे सेल करके रखा हुआ है, अब आप इसमें ऐसा लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने सेल कर रखा है तो अब आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। देखिए एक होता है लिमिट, सो आपको किस लिमिट पे ख़रीदना है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये पे ख़रीदा हुआ है इसे, ओके, और यदि मार्केट प्राइस पे ख़रीदा तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे मैंने ख़रीदा होगा। और SL जो है मेरा वो ये रहेगा, सो SL मैंने ये लगा दिया है। देखिए अब क्या होगा कि मैंने जैसे 100 रुपीज़ पे ख़रीदा है और मैं इसका SL लगाना चाहता हूँ 140 रुपये, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 140.5 और थोड़ा सा हम क्या करेंगे उसे मार्जिन दे देंगे फ्लक्चुएशन के लिए, यदि 140 नहीं आया तो 140.50 पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और 140 का मैं यहाँ पे करूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा सो ये हमारा SL लग जाएगा। तो इस तरह से आपको SL लगाना है। ओके सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने यदि MIS ऑर्डर लिया है तो आप इंट्राडे की पोजीशन पे SL लगाएंगे, और यदि आपने नॉर्मल ऑर्डर लिया है तो आप ओवरनाइट की पोजीशंस पे SL लगाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कौन सा ऑर्डर आपने लिया हुआ है उसका ही SL लगाएंगे। यदि आपने कोई जैसे इंट्राडे ओवरनाइट का लिया हुआ है और आपने इंट्राडे पे आके SL लगाया सो आपको ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा मोबाइल ऐप का रिव्यू रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप मोबाइल ऐप बताइए किस तरह से है। तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, जैसे ज़ीरोधा का है लगभग, मुझे वैसे ही लगता है। बस इसमें मुझे डर ये लगता है कि कभी कई कई बार ना ये जो ऑप्शन चार्ट होते हैं वो डिले हो जाते हैं, सो मुझे उसका बहुत इशू लगता है। बट मैं जब भी SL डालता हूँ वो ट्रिगर हो जाता है, सो मुझे अभी तो कोई इशू नहीं आया, बट मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, इसलिए मैं इसमें कम क्वांटिटी में और कम अमाउंट के साथ ट्रेड करता हूँ। बाकी ज़ीरोधा मुझे ट्रस्टेड लगता है। सो अभी बाकी ये लोग भी बहुत इंप्रूव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। मैं 3-4 महीने से ही इसे यूज़ कर रहा हूँ, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, तो मैं इसे इसीलिए यूज़ करके देख रहा हूँ। और यदि आपने इसका अकाउंट ओपनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है सो आप वो भी देख सकते हैं, है ना। सो मैंने उसमें फुल रिव्यू बताया हुआ है, क्या उसके प्लान्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि लैपटॉप टर्मिनल किस तरह से यूज़ करें और कैसा है इसका टर्मिनल, सो मैं उसका भी वीडियो नेक्स्ट आने वाले डेज़ में मैं बनाने वाला हूँ। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।